दोस्तों मूल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटर स्कॉच आइसक्रीम और उसमें जो मसाला डलता है उसका वीडियो बना रहे हैं हम कि कौन सा मसाला उसमें डलता है, कैसे क्या क्या हम डालते हैं वो डाल के हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। चलिए उसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगता है बटर स्कॉच बनाने के लिए वो हम आपको दिखाते हैं। पहले लगेगा हमें ये 1/4 कटोरी शुगर जो कि हमें कैरेमलाइज करना है, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काजू। आप कोई भी नट डाल सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, जो चाहे वो आप डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हमें लगेगी बटर, अमूल बटर है ये, थोड़ा सा ये लगेगा। और इसको अब हम बना के आपको दिखा रहे हैं। अब ये है एक प्लेट में, इसको हम इसी में जमाएंगे और फिर हम उसको क्रश करके बटर स्कॉच में डालेंगे। कढ़ाई चढ़ा दिए, गैस जला दिए, और 1/4 कटोरी जो शुगर है उसको हम इसमें डाल रहे हैं, डाल के और सूखा हम इसको कैरेमलाइज करेंगे और इसको पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद थोड़ा सा बटर डालेंगे और हम काजू जो रखे हैं उसको डालेंगे, और फिर उसके बाद उसको हम बर्फी जैसे जमा के फिर पीसेंगे। इसको सिम में कर दिए हैं, तेज था अभी तक, हम सिम में करें, हमारी शक्कर पिघलने लगी तो अब हम इसको धीरे कर दिए हैं आँच को। अब देखिए पिघलेगा, इसको पिघला के और फिर हम इसमें बटर डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा काजू डाल देंगे ताकि काजू भुन भी जाए और कैरेमलाइज भी हो जाए, और सिम पे ही हमें ये करना है काम को। कलर एकदम चेंज हो जाएगा इसका, देखिए। तो आँच को बंद कर देते हैं। इसको हमने बिल्कुल बंद कर दिया है और शुगर एकदम कलर चेंज हो गया है, बड़ा सुंदर कलर आ गया है, जलना नहीं चाहिए ये। डाल के इसको जमा देंगे, फिर मिक्सी से हल्का हल्का इसको पीस लेंगे। तो हम इसको पीस लेंगे तो इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा जिसको हम उसमें डालेंगे। पीस के मिक्सचर तैयार कर लिया है बटर स्कॉच का। अब हम बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाएंगे जब भी, तो इसको 2-3 चम्मच हम उसमें डालेंगे जिससे, और ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे जिससे हमारा बटर स्कॉच बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बने। ये बटर स्कॉच मसाला है। अब आप बनाइए, खाइए, और मून किचन में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।